सपा संग्राम तो शुरू हुआ 128 दिन पहले, पर आखिरी के 80 घंटे में वो सब कुछ दिख गया जिस पर यदुवंशी परिवार अब तक पर्दा डाले हुए था। कभी अखिलेश रूठे, कभी शिवपाल, कभी रामगोपाल, फिलहाल कौन रूठा है और कौन मान गया ये तो शायद खुद मुलायम सिंह भी नहीं बता सकते। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के गृह युद्ध में नुकसान आम आदमी का हुआ है। समय सबसे अनमोल है और सबसे सस्ती, इतनी सस्ती कि सफाई कुंबे की किचकिच ने सबके घड़ी को बर्बादी के घोल में घोल दिया। सूबा, समर्थक, सरकार और पैरोकार सबका, नेताजी का, मंत्री जी का, संतरी का, चेले चपाटियों का, चाल चलने वालों का और चाल काटने वालों का। कभी दिल्ली वाले चाचा कोई चाल चल देते तो कभी लखनऊ वाले चाचा कुछ बोल देते। सबके समय को मिट्टी में मिला दिया इस झगड़े ने। सबकी टेंशन थी टाइट जब समाजवादी घर में हो रही थी फाइट। पूरा देश टीवी पर टकटकी लगाए देख रहा था, चतुर नेताओं के हर चाल को समझने में लगा था। 40 सालों से मुलायम राजनीति देखते आ रहे लोग भी कंफ्यूज, कार्यकर्ता तक कंफ्यूज कि वो कर क्या रहे हैं। समय अनमोल है, लेकिन सपा परिवार के सियासत ने सबके अनमोल समय को बर्बाद कर दिया। सीएम सूबे की चिंता छोड़ सत्ता संघर्ष में जुटे रहे, साथियों से सिर्फ उटवल चल रहा था। वक्त इतिहास बनाने का था, लेकिन सीएम वक्त की बर्बादी के इतिहास बनाने में उलझते दिखे। समय सुप्रीमो का भी खराब हुआ। चुनाव में जिस चतुरंगनी सेना को साथ लेकर चलना था, चुनाव से पहले उस सेना में बगावत की आवाज उठने लगी और इसी बगावत ने 4.5 साल की तैयारियों को बुरी तरह तोड़ दिया। समय सेना का भी खराब हुआ। जो सेना विजय के लिए निकलने वाली थी वो सड़कों पर सरेआम लड़ने लगी। अपनों के खिलाफ तलवारें खिंच गई। जब जीत के जज्बे को लेकर कैडर के जज्बातों को समेटने का वक्त था, तब सबके बिखरते जज्बातों ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। और जब रामगोपाल चाचा का फोन आया कि नेता ने कहा कि तुम्हें हटा दूंगा वहां प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा चाचा एक मिनट मत सोचना, आप हटा देना। और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक प्रधानमंत्री जी के विभाग छीने। मैंने छीने उनके विभाग, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अगर आप हटाना चाहोगे, लेकिन अमर सिंह बताइए कहां से आपके घर से टाइपराइटर मंगा रहा था, कहता कि चिट्ठी छपने में देर हो रही है तो उसको छापा जाएगा। मुझे चिट्ठी छपाई, मैंने अमर सिंह, मेरी नाराजगी इस बात की है। झगड़े से काम की बात उम्मीद करना बेमानी थी, फिर भी यूपी के 22 करोड़ लोगों ने बेहतरी का हौसला नहीं छोड़ा। 127 दिन 80 घंटे से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद ये साफ नहीं हो पाया कि कुंबे के झगड़े का अंजाम क्या होगा और क्या होने वाला है। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुंबे के इस झगड़े में सूबे का समय जाया हो रहा है, ये हम सब अच्छे से जान रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? अब कैसे सूबे के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा, यह समझने की कोशिश है। बेहद खास मेहमान मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। तारुफ में आपका सबसे पहले करा दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कौशल किशोर साहब जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं उनके, ओंकार नाथ सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, अरशद आबिद समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूपी सरकार के मंत्री हैं, दिग्विजय सिंह देव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा, बर्खास्त किए गए फेरिस्त में इनका नाम भी शामिल है, डॉक्टर मनीष कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अरशद आबिद आप ही के पास आना चाहूंगा। सर ये क्या हो रहा है, पूरी नौकरशाही लगता है प्रदेश में स्टैंड बाय मोड में आ गई है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है और विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग समय जाया कर रहे हैं। ऑडियो कुछ कम, अरशद आबिद ऑडियबल हूं मैं, आपको सुनाई दे रहा हूं। संदीप घनश्याम जी आवाज आ रही है जी। अरशद भाई मैं यही समझ रहा हूँ कि आप लोगों के झगड़े से पूरा जो प्रदेश है वो नुकसान में आ गया है, पूरी नौकरशाही जिसके कंधे पे आपने जिम्मेदारी दी है विकास की वो स्टैंड बाय मोड पे है, समझ में नहीं आ रहा जो जहां था वो ठहर सा गया है। सर इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? घनश्याम जी, समाजवादी जो होते हैं वो सिद्धांतवादी होते हैं और वो अपनी बात
पूरे सिद्धांतों के आधार पर रखते हैं। घनश्याम जी मेरी आवाज आप बिल्कुल सुन, सर, सुन पा रहा हूँ आप बोलिए बोलिए सर सुन रहा हूँ। चूंकि मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी आवाज मुझको वापस आ रही है। सर बिल्कुल अच्छे से आ रही है, प्रदेश आपको सुन रहा है। सर अपनी बात के अलावा प्रदेश की बात भी कहिए, सब लोग सुन रहे हैं आपको, कहिए। चलिए चलिए ठीक है घनश्याम जी समाजवादी पार्टी और उसका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की आस्थाएं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। समाजवादी चूंकि सिद्धांतवादी होते हैं तो ये अपनी बात अपने पत्र के जरिए पार्टी फोरम में सर मैं आप सिद्धांतों की बात ही नहीं कर रहा आज, और मैं आपको बताऊं कि सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा सर, पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहा है। अपनी बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कह सकता है। अगर आप भाजपा कांग्रेस और बसपा की बात कर रहे हैं तो इनके प्रदेश अध्यक्ष और इनके चीफ मिनिस्टर से बाहर ही नहीं निकल रहे तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल नहीं पाते। प्रदेश की बात बताइए, समाजवादी पार्टी कल भी एकजुट थी, आप तक आवाज नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी आज भी एकजुट है और समाजवादी पार्टी हमेशा एकजुट रहेगी। और 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव भी जा रही है। सर इस बात का 255 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी फिर अपनी सरकार बनाएगी। युद्ध का आपकी सिविल वॉर का आपकी पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपका आंतरिक मामला है, आप जानिए सर। लेकिन प्रदेश को कितना नुकसान हो रहा है इसका खामियाजा कौन भुगतेगा सर? संदीप शुक्ला जी आपसे सवाल है मेरा। संदीप जी सुन पा रहे हैं मुझको? आवाज नहीं आ रही सर, मैं पूछ रहा हूँ फिर आपको आवाज ठीक है। कौशल किशोर मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपकी आवाज एकदम ठीक हो जाएगी तब मैं आप लोगों के पास पहुंचूंगा। कौशल किशोर साहब जब बात हो रही है प्रदेश के नुकसान की तो भी अरशद आबिद ये समझा रहे हैं कि जो लोकतंत्र हमारे वहां है वो बीजेपी में नहीं है। इस लोकतंत्र की परिभाषा के इर्द गिर्द की नुकसान दिखाई क्यों नहीं दे रहा प्रदेश का किसी को? अब उनको अगर अपने यहाँ लोकतंत्र ये दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूरा कुनबा आपस में लड़ रहा है झगड़ रहा है और अपने अपने अपना पूरा खींचातानी मचाए हुए हैं कि मेरा अधिकार हो मेरा प्रॉपर्टी पे पार्टी पे कब्जा हो, इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी ना हो गई समाजवादी प्रॉपर्टी हो गई हो। तो इस तरीके से जो झगड़ा ये लोग कर रहे हैं और उसको लोकतंत्र की परिभाषा दे रहे हैं, तो अगर ये एक लोकतंत्र है तो फिर ऐसे लोकतंत्र पर हम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। बड़ी ताजुब की बात है कि पूरा उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के लोग, चाचा भाई और उनके पिताजी, सारे के सारे लोग, सब लोग आपस में बिल्कुल लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ऐंचातानी खींचातानी मचाए हुए हैं। प्रदेश में कहां लूटपाट हो रही है, कहां कानून व्यवस्था भंग हो रही है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से इस समय बेकार हो गई जा रहा है। इस हालात के जिम्मेदार आप ही हैं, जो बीच सर आप ही ने बोए इस घर में, सब कुछ ठीक चल रहा था कौशल किशोर जी, ये आप ही की करनी है। ये अगर ये इनकी सोच है कि ये भारतीय जनता पार्टी इनके घर में लड़ाई करवा रही है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर इनके परिवार में लड़ाई कर रही तो ये लोग इतने नासमझ हो चुके हैं कि इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। अगर ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया तो ये लड़ क्यों रहे हैं, समझ जाए एक जगह हो जाए ना, फिर काहे के लिए झगड़े हैं। कभी अखिलेश यादव जी उनके सब पूरे के पूरे डिपार्टमेंट छीन लेते हैं शिवपाल यादव जी के, जो वहां पर एक सोच समझ कर एक थिंक टैंक की तरीके से काम करते हैं रामगोपाल यादव जी, आज उनको समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर देते हैं। ये बड़ी अजीब ताजुब की बात है और उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं का डिफेंड करने जनता पार्टी उनके घर में लड़ाई कराने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या लड़ाई करने का काम किया है? अगर उनके यहाँ किसी भी के नेता से, अखिलेश यादव जी से या शिवपाल जी से या और किसी से भारतीय जनता पार्टी के इतने गहरे ताल्लुकात हैं और किसके द्वारा लड़ाई हो रही तो उसका ओपन करे, खुलासा करे, ये गलत ब्लेम क्यों लगाने का काम कर रहे हैं। सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और समाजवादी पार्टी में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है और समाजवादी पार्टी को अब वो लोहिया की पार्टी ना बना करके अपनी निजी जागीर जो बना रखा है उस जागीर पर किसका कब्जा होना चाहिए इस बात को लेकर के लड़ाई है। और इसीलिए अखिलेश यादव जी कहते हैं कि टिकट मैं बांटूंगा,
टिकट मैं बांटूंगा करके जो है विधायकों के अंदर डर पैदा करते हैं। समाजवादी पार्टी का होमवर्क आप अच्छे से कर रहे हैं आजकल। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। संदीप शुक्ला साहब, लेकिन टिकट आवाज आप तक आ रही है संदीप जी? फिर भी वो टिकट बांटने की अपनी वकालत करते हैं। संदीप शुक्ला वकालत करते हैं, टिकट बांटने की वकालत उनके पास पावर नहीं है। टिकट बांटने के लिए अगर पावर किसी के पास है तो दिग्विजय आप मुझे सुन रहे का अध्यक्ष कौशल किशोर आ रहा हूँ, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह उनको यह सोचना चाहिए सर, ये वर्तमान में युवाओं की स्थिति क्या हो गई पार्टी में? आप कहाँ पे हैं अभी, कहाँ खुद को पाते हैं? पहले तो जो आपका प्रश्न है कुनबे में झगड़े का, सुबह का टाइम खराब हो रहा, मैं आपको बता दूं जब से ये प्रकरण चल रहा उस बीच पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे काम किए, चाहे वो गाजीपुर में स्टेडियम का उद्घाटन हो, चाहे सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हो, चाहे लोक भवन का लोकार्पण हो, चाहे 1090 पे पावर एंजल के कार्यक्रम हो, सरकार के जो भी नियमित कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चल रहे हैं और विकास की जो भी योजनाएं हैं वो सारे अपनी निरंतर गति से चल रही है। और आने वाले समय में हम आपको फोर लेन जो हमारा लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे है उसका समय देने जा रहे हैं। लोकार्पण और शुभारंभ ही आपकी प्रायोरिटी है क्या विकास की? उसके अलावा देखिए सर, पेंशन अच्छा, बहुत लोगों की, अधिकारी कुछ करने को तैयार नहीं हो। आप अरे अच्छा, अब लोकार्पण नहीं करेंगे? हमने जो सड़क बना के बनाई है, जो हमने लोक भवन बनाया है, जो हमने विश्वविद्यालय बनाया है, जो स्टेडियम बनाया है, और क्या विकास है? उसी की तो बात हम लोग कर रहे हैं, उसका लोकार्पण कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है और अब हमने जो शुरुआत की थी उसको अंजाम तक ला रहे हैं और वो जनता को देने जा रहे हैं कि हमने इस अपने 5 साल की सरकार में आपको ये काम करके दिया है। दूसरी बात रह गई नौजवानों की, देखिए ये विचारों की बात है और विचारों की लड़ाई है। आप जिसे जागीर कह रहे हैं, आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, सांसद जी भी पहले कहीं थे, फिर उन्होंने पार्टी बनाई, फिर आज उसी पार्टी में है। देखिए बात विचारों की है। दिग्विजय सिंह जिस सीएम की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं सर, उनके घर वाले तो उनको मान नहीं रहे, वो उनके लिए प्रासंगिक नहीं है सर, पूरे प्रदेश को विश्वास दिला रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो विचारों की लड़ाई है, यही तो बात साबित करनी है। एक ऐसा मुख्यमंत्री आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक चरित्र को देखिएगा तो तमाम बड़े परिवारों में, बड़े राजनीतिक घरानों में लड़के हुए, ठीक है, और उन्होंने राजनीति भी शुरू भी की और कहां तक गए आप सबको पता है, आप मीडिया के लोग हैं। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी मेहनत के बल पे, अपने कार्यशैली के बल पे, दिग्विजय सिंह जी अपने संस्कारों के बल पे अपना जगह बनाया। रफ्तार चल रही है इस झगड़े के बावजूद भी, लेकिन हकीकत को जानने के लिए जरा थोड़ा सा दो अलग अलग चीजें देखिए ना सर, अब लोगों की बात सुन लीजिए, इंतजार कीजिए लोग क्या कह रहे हैं इस विकास को और इस झगड़े को लेके, वो जरा गौर फरमाइए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मुलायम उलझे हैं, अखिलेश उलझे हैं, सिपाही उलझे हैं, कौन जवाब पूछने वाला माइकर आ रहा है? ग्रह कलेर, ग्रह युद्ध इतना छिड़ा हुआ है, पूरा महाभारत तांडव हुआ है, तो लिहाजा जनता का सर्वनाश ही हो रहा है एक तरह से। जनता तो बेहाल रहेगी ही रहेगी जब ऐसे ही सियासत होगी, तो इनको हटा करके राष्ट्र शासन लगा देना चाहिए। न प्रदेश का भला होना है, न प्रदेश का विकास होना है, और निश्चित रूप से जैसा अभी पंचायत ये लोग कर रहे हैं, इस प्रदेश के 22 करोड़ देशवासियों का कल अपमान हुआ है भरे मंच पर। ये जनता के धन की बर्बादी है और ऐसी सरकार तहस नहस हो जाती, सबसे उत्तम है। यह ईगो की लड़ाई है, जहां धन और बल का अत्यधिक जमावड़ा हो जाएगा वहां ये होना लाजमी है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ दौड़ रहे हैं हम, 34 दिन हो गए आज हमको लखनऊ में बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं। टाइम भी मिला था 17 तारीख का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया था, लेकिन एन मौके पे अंतर कला की वजह से उनका मन व्यथित हुआ और वहाँ से चले गए, उसके बाद हम लोगों को समय नहीं मिल पाया। पिछले 3-4 दिन से जो लखनऊ में ड्रामा चल रहा है, सभी अधिकारी लोग गाजियाबाद के उस ड्रामे को टीवी पर देखने में व्यस्त है और जनता अपने काम कराने के लिए तराई तराई हो रही है, परेशान है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। गाजियाबाद अधिकारी तो टीवी पर लगे हुए, टीवी देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनके झगड़े को देख देख के हंसी मजाक ले हो रही है, और ये जब अपने घर का झगड़ा नहीं सुलझा सकते क्या सरकार चलाएंगे? जिस तरह से चाचा भतीजे और सब लोग आपस में लड़ रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एक बहुत बड़े पैसे की बंटवारे का झगड़ा है और कोई चीज नहीं है, और इसका असर सबसे अधिक जो खराब पड़ रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है। हम कहेंगे कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले को इतना बढ़ाया ना जाए, और आप ऐसे सुलझाएंगे तो हम किसी और से भी ये कह सकेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा है। परिवार की लड़ाई को अगर परिवार में ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है,
क्योंकि इस लड़ाई से आम आदमी सबसे ज्यादा त्रस्त हो रहा है, जनता परेशान हो रही है। इस विवाद से जितना भी प्रशासन तंत्र है वो बिल्कुल चरमरा चुका है, गरीब आदमियों की कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं, अधिकारी अपनी मनमानी में लगे पड़े हैं और आम जनता परेशान है। जनता पिस रही है, जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। इन लोगों को अपने पारिवारिक झगड़े को जल्द से जल्द सुलह करके और इसमें जनता के विकास पर ध्यान देना चाहिए। झगड़े को जल्द से जल्द या तो परिवार में ही सुलझा लें और या तो फिर पद छोड़कर सुलझाना चाहें तो ऐसे ही सुलझा लें, लेकिन रोज का रोज जो ये टीवी पर भी दुनिया भर की चीज़ें देखने में आ रही हैं और उसको देखकर ये लगता है कि अब हमारा नेतृत्व कमजोर हो गया है। तो बेहद खास समय लगा था मेरे साथ बने में दिग्विजय सिंह साहब, और कोई प्रमाण चाहिए आपको आपके विकास के या कुछ और बातें गिनवाऊं? ये मैं तो कह रहा हूं विकास की बातें, जो ये बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये भी सही और वो भी सही। झगड़े में सुन लीजिए, सही किस तरह है और गलत किस तरह मैं बता रहा हूं आपको। बताइए झगड़ा शुरू किसने किया, इस झगड़े से फायदा हो किसको रहा है, और आपको तो इस बात से क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सबके लिए काम कर रहा है उससे फायदा किसको जा रहा है? सर देखिए, ये देखिए फायदा जा रहा है सर, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, और उन्होंने अपने एजेंडा लगा रखे हैं। देखिए इस कलह से आपको कितना नुकसान हो रहा है प्रदेश को नहीं जानना, हमें ये जानना है सर। 34 दिन से जो कर्मचारी कलेक्ट्रेट पे बैठे हैं वो मिल नहीं पा रहे, अखिलेश यादव ने समय दिया वो भावुक हो गए चले गए वहां से, सर उनको कौन जवाब देगा? आपका गृह युद्ध है, आप निपटिए, हो सकता है दिग्विजय सिंह फिर से अंदर चले जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए, वो आपका फायदा हो सकता है। लेकिन उन गरीब आदमी सर, चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग जाएगी, हम तो पहले उस मोड में आ गए। आप मेरी बात जानिए, मैं बैलेंस मोड में नहीं आया, मैं साफ कह रहा हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास की राह पर थे और जनता के लिए काम करने वाले हैं और उनके लिए काम करते हैं, जिनको इससे फायदा हो रहा है मैं यही तो बात कहना। कौन नहीं करने दे रहा ये काम? सारे कौन नहीं करने दे रहा? दिग्विजय सिंह सीधे बताइए ना, कौन नहीं करने दे रहा? शीतल यादव, जनता पार्टी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंट लगा रखे जो इस झगड़े को फैला रहे हैं। सर सार्वजनिक मंच पे सर दिग्विजय सिंह, सार्वजनिक मंच पे माइक छीन लिया गया, माइक छीनने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के शीतल यादव। अरे अरे तो कहीं ना कहीं से प्रभावित, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कैसी बात समझा रहे हैं? ओंकार नासिक ठीक ठीक है, ओंकार नासिक जी प्लीज इंटरव्यू करिए, ठीक है। दिग्विजय सिंह जी मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, आपको भी एक पक्ष का झंडा बुलंद करना है सर, लेकिन उससे इतर करोड़ों की जनता की बात कर लीजिए, प्रदेश की खुद ले लीजिए सर। ओंकार नाथ जी घनश्याम जी आप एक बात करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम किए उनके अपने सर, देखिए मैं मुख्यमंत्री की पैरवी नहीं करना हाँ, चाह रहा ना आपसे, आप पैरवी करिए सर, कर रहे हैं आजकल आप, कभी सीएम ऑफिस के बाहर कभी कहा, सर चल रही है पैरवी, वो झंडा बुलंद है, ये बिल्कुल झंडा बुलंद हो रहा है सर। मैं आपको यही समझा रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण में आप चमक जाएं, दिग्विजय सिंह चमक जाएं, कुछ और पद और ओहदा आपको मिल जाए, लेकिन सर गरीब जनता का हाल पूछिए, आचार संहिता लागू हो जाएगी कुछ काम नहीं हो पाएगा। ओंकारनाथ सिंह जी प्लीज इंटरव्यू करिए, सुन लीजिए ठीक है। दिग्विजय सिंह जी और मेहमान भी है, और मेहमान भी है सर, आपको कन्विंस कर रहे हैं तो चीज ही नहीं हो रही है, तो फिर मैं क्यों समय लूं सर? ओंकारनाथ जी क्यों, मैं कन्विंस नहीं कर रहा, आप टाइम की बात कर रहे हैं, मैं कामों की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओंकारनाथ जी के लिए इससे बड़ा दुख की बात और कोई नहीं हो सकती है कि जहां प्रदेश का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है वहां शासन कैसे सुरक्षित होगा। ये पारिवारिक झगड़े की लोग बात करते हैं, समाजवाद पार्टी के आंतरिक मामले की बात करते हैं, लेकिन ये टोटल राजनीतिक झगड़ा है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उस पार्टी के लड़ रहे हों, इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? आप कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को कि हमारी सुरक्षा यहां रहेगी, किस तरह से सुरक्षा रहेगी? समाजवादी पार्टी में आप बात तो रख सकते हैं, आप मैंने आपके बात में नहीं बोला, हमें बोल ले लीजिए उसके बाद आप बोलिए। और ये चीज मुख्यमंत्री के फेवर में नहीं जाती है और इससे मुख्यमंत्री को साबित करना पड़ेगा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अराजकता की स्थिति है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं दोनों लोग गले मिले, गले मिलने के बाद मारपीट होती है, उसके बाद फिर एक दूसरे से मिलते हैं, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, मुख्यमंत्री जा नहीं रहे, मारपीट नहीं हुई, जनता को इस तरह से भ्रमित करने से क्या फायदा है? मारपीट नहीं हुई, सारे अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं, सारे कर्मचारी बैठे हुए, काम सफल कर रहा है, पिछले तीन साल से और जनता आधार में समझ रहा हूं सर, ठीक है। रमजान जी उन्होंने सर, अब देखिए बिना पार्शियल होकर थोड़ा एनालिसिस न्यूट्रल लेवल पे कर लें, वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद है, मनीष जी
अब ऐसा लगता है कि चुनाव जीतना, प्रदेश का विकास करना, ये सब गौड़ हो गया है, पार्टी पे कब्जा करना ये प्रमुख हो गया है। सर, ये जो समय जाया हो रहा है, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो जिम्मेदार जो है ये भारत की जनता है और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता है, जिन्होंने इनको दिमाग खराब कर देने वाला जो है बहुमत पिछले इलेक्शन में दिया था। समझना ये है कि आप देखिए, उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल 90% देश दुनिया भर के उससे बड़ा कद है। वहां हो क्या रहा है राजनीति के नाम पे, और भी 21वीं सदी में कि चाचा भतीजा पता नहीं क्या 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 बातें हो रही हैं। और ये बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को मतलब माथा जो है दीवार में मार लेना चाहिए शर्म से कि आप इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज को जो है जीवित भी रखते हो, जिनको कोई अधिकार नहीं है एक भी वोट पाने का, आप उसकी सरकार बना देते हो। देखिए, ये गलत बात है, ये न्यूट्रल बात नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, ये न्यूट्रल बात नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप न्यूट्रल बात नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए, विश्लेषण तो होना, आप मेरी बात सुन लीजिए, विश्लेषण तो होने दीजिए। अरे दिग्विजय सिंह, एक बार मौका मिल जाएगा, मेरी बात सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह सुन लीजिए, आपके पास आ जाऊंगा भाई। आपने फ्यूडलिज्म को जो जिस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे और परिवार से जो चलता था उसको आपने अपना लिया। खैर चलिए, इतना तक तो फिर भी हिंदुस्तान में उतना बदलाव नहीं आया है कि पारिवारिक पार्टी को आप पूरी तरह से रिजेक्ट कर दें। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक परिवार का झगड़ा, परिवार है तो बंटवारा होगा, और जब बंटवारा होगा तो लड़ाइयां होगी, केस मुकदमा भी होता है, जैसे जिस तरह से परिवारों में होता है उस तरह से पार्टी में होती है। नुकसान क्या होगा, नुकसान उसका सीधे सीधे जनता के ऊपर होगा, पॉलिसीज के ऊपर होगी। और अब एक चीज देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारा समाजवादी विचारधारा, तो ये हमें बता दें कि मुलायम सिंह वो किस विचारधारा के तहत ये बात वो कह रहे थे कि अमर सिंह पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, उनको 7 साल का जेल से उन्होंने बचवा लिया, तो ऐसा क्या आपने जुर्म किया था ये बता दें जनता को, देश के आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं देश की जनता के लिए, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, और आप ये भी बताएं कि अमर सिंह ने कौन सी सेटिंग की थी, क्या दलाली की थी, क्या किसके किसको खरीदा था कि आपको 7 साल की जेल से आपको बचा लिया, आप क्या बोले जा रहे हैं। एक सरकार चल रही है, एक मुख्यमंत्री है, ढंग से काम कर रहा है, आप उसको सारे मैंने, ये तो मुझे विचित्र सा लगता है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप लोग। संदीप शुक्ला जवाब देंगे, आप संदीप शुक्ला जवाब दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, जो कहना है आपका कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, और नेताजी ने तो यही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इनको ही मुख्यमंत्री कहना। जब मैं तब मुख्यमंत्री नहीं बना जब मेरे नाम पर बहुमत मिला था, और मैंने अमर सिंह ने कैसे बचा लिया, तो अब मैं मुख्यमंत्री क्यों बनूंगा? और साफ साफ अमर सिंह ने कैसे बचा लिया, सीधा सवाल घुमाइए नहीं सर, बहुत घूम रहे होगा, पिछले कई दिनों से बहुत घुमा दिया सर। हमारी भारतीय संविधान में संदीप शुक्ला जी, संदीप शुक्ला जी, संदीप शुक्ला जी, संदीप शुक्ला जी, डॉक्टर मनीष कुमार सीधे पूछ रहे हैं आपसे कि अमर सिंह ने कैसे बचा लिया, अमर सिंह ने कैसे बचा लिया ये जानना चाहते हैं मनीष कुमार, पूरा प्रदेश ये जानना चाह रहा है। हम अपनी बात बताने लगे, आप प्रश्न पूछिए। सर, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं मनीष कुमार, वो सीधे ही जानना चाहते हैं, मुलायम सिंह कह रहे हैं अमर सिंह को मैं नहीं निकाल सकता, उन्होंने मुझे जेल जाने से बचाया। सर, ऐसा क्या कर दिया था कि जिसको जेल जाने से बचाया गया, और किस सेटिंग के जरिए जेल जाने से बचाया गया? मनीष, उन्होंने कहा है कि किस जरिए, किस सेटिंग के जरिए, कैसे? उनका यह कहना था कि वो 1996 से पार्टी में है, और उसके बाद जो है उन्होंने संगठन को जो भी समय समय पर योगदान किया होगा, तो नेता जी अमर सिंह को ही नहीं, अदना कार्यकर्ता जो गांव का किसान मजदूर है उसको भी, जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं, तो हाथ रखे ही रहते हैं, उनके बारे में माना जाता है, जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसको फिर वो पूरा पूरा संरक्षण देते हैं, जवाब चाहे वो नीचे का आदमी हो चाहे अमर सिंह हो, सबके लिए उन्होंने संरक्षण देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कार्मिक लिख दिया, न उनका कोई ऐसा मामला और न ऐसी कोई बात है। अपने से कार्यकर्ता की वैल्यू होती तो दिग्विजय सिंह देखिए कितना डिफेंड कर रहे हैं, आपसे भी अच्छा डिफेंड कर जा रहे हैं पार्टी को, लेकिन उनको बाहर कर दिया। दिग्विजय सिंह, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मैं आपसे बता रहा हूं, आप देखिए, आपका बहुत बड़ा चैनल है और नंबर 1 पर भी है इस समय, आपने सुबह राम प्रोफेसर साहब के पूरे इंटरव्यू को चलाया,
और उस इंटरव्यू में प्रोफेसर साहब ने सारी बातें क्लियर की कि कौन सी पिटीशन पड़ी, किसको लेकर वो भाभी जी का, हमारे आदरणीय सांसद जी का जो नाम था, फिर उसके बाद ये कौन सी पर्ची लेकर गए, सारी चीजें आपकी चैनल ने बड़ी क्लियर कट दिखाई है। तो वो जो बात कही जी कही जा रही है पूरी तरह से झूठ है, और आदरणीय नेता जी ने वो पूरी बात कही नहीं, उसमें जोड़ के कुछ जोड़ दिया गया। मेरा ये कहना है कि जो चीजें क्लियर कट है, मैं वो कह रहा हूं कि जो लोगों ने समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है और जिनके कारण की है, उन्होंने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, और आने वाला समय में ये नौजवान इन्हें माफ नहीं करेगा ना, उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेंगे, बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। अच्छा, मुलायम सिंह ने बाहर कर दिया और माफ नहीं करेंगे बीजेपी को? अरे भाई हम बाहर नहीं, सुन लीजिए। अच्छा दिग्विजय जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, माननीय शिवपाल जी हैं, इन्होंने कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री झूठे हैं। आदमी हो आप, तो ये मुख्यमंत्री झूठे हैं सर, ये किस तरह का, चीजें साफ होंगी तो पता ही लगेगा कमाल क्या है। मुझे एक बात और बताइए, दो सवाल आपसे पूछना है, क्या मुख्यमंत्री झूठे हैं जो शिवपाल जी ने कहा, और दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह ने खुद कहा कि आपकी सरकार जो है वो गुंडो बदमाश को जो है वो संरक्षण कर रही है, ये गुंडो बदमाश की जो है वो गुंडो बदमाशों की जो है वो सरकार चल रही है। ये बता दीजिए कि मुलायम सिंह जी झूठ बोल रहे थे या वो सच बोल रहे थे? देख ली, पहली बात, नेताजी ने कहा, नेताजी को डांटने का हक है। अरे डांटने का हक तो आपको है ना, देश की जनता के लिए थोड़े डांटने के लिए है, देश की जनता के प्रति उनको जिम्मेदारी है, ये उनको बताना पड़ेगा कि कौन गुंडे हैं पार्टी के अंदर। उन्होंने अपने, सुन लीजिए, अपने पुत्र को कहा, और वो पुत्र तो सूबे का मुख्यमंत्री है। अरे और अच्छी बात है, आप उन्हें कहने देना चाह रहे, आप पुत्र से कहना है तो घर में कहें, डिनर टेबल पे कहें। तो सर जो पुत्र के समर्थक हैं, जो पुत्र के समर्थक हैं, उनको बाहर क्यों कर दिया? लास्ट मुलाकात में तो सर पूर्व नहीं लिखा था आपके नाम के नीचे, आज देखिए पूर्व लिखा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। देखिए ऐसा है आदरणीय नेता जी, इन्हें हम लोगों को, जो हम लोग जब जेल से छूटे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं जब जेल से छूटा तो हम लोग नेताजी से मिलने गए, 2007 की पकड़ है सर। सर मेरा भी समय जाया हो रहा है, ठीक है सर, क्या बोल रहे सर, कॉन्टेक्स्ट सर, बिल्कुल कॉन्टेंट पे बात करेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, दिग्विजय सिंह थोड़े से अपडेट हो जाइए सर, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, जल्द हाजिर हो रहे हैं। बिग बुलेटिन लगातार जारी है, लेकिन जानने की कोशिश यही कि इस उधेड़बुन में, इस सिविल वॉर में जो समाजवादी पार्टी में चल रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश का समय और विकास जो जाया हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कौशल किशोर साहब, आपके पास आना चाहूंगा, बीजेपी से आप हैं, ये माना गया कि बीएसपी से जब बड़े बड़े लोग आपके यहाँ आए तो आपका फायदा होगा, रीता भोगड़ा जोशी आपके यहाँ आ गई तो भी फायदे के तौर पे देखा जाने लगा, और अब इतनी बड़ी कलह हो रही है, तो परोक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से आपको लग रहा है ना यूपी में जो रास्ता है वो साफ होते जा रहा है, ये एकदम आपको खुला मैदान मिल रहा है जो कुछ करेंगे आप? हेलो कौशल जी, आवाज मिल पाई आपको मेरी, सुन पा रहे मुझको? हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ, जी जी अभी। सर ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम पूछिए, ये जितनी चीजें हाँ, हो रही हैं इस वक्त, जितनी चीजें हो रही हैं वो बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी को फायदे का सौदा लग रहा है क्या? कई लोग आपके यहाँ आ गए, रीता भोगड़ा जोशी जी आपके यहाँ आ गई, और अब ये जो कलह हो रही है जिसको आप कह रहे हैं कि थम जाए ऊपरी तौर पर, लेकिन भीतरी तौर पर फायदे का सौदा तो नजर आ रहा है बीजेपी को भी, और आरोप आप ही पे लग रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने का जो अब उद्देश्य है वो सबका विकास सबका साथ का नारा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बेरोजगारी को खत्म करके रोजगार देने के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी देश के सब लोगों को नंबर एक पे ले जाना चाहती है, पूरी तरीके से उनको रोजगार देना चाहती है, पूरा विकसित देश बनाना चाहती है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हिंदुस्तान को फिर से, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर एक और विश्व गुरु साबित करना चाहते हैं, और तभी कर पाएंगे जब सारे क्षेत्रों में हम पूरी तरीके से विकसित होंगे। सर ये बातें तो इसलिए जनता जो है अब पूरी तरीके से ये देख रही है कि कौन कौन भूमिका स्पष्ट जी जी मेरी बात वही मैं बता रहा हूँ वही मैं बता रहा बहस करने के लिए मैं मेरी बात सुन लीजिए बात सुन लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता इस बात को सोच रही है, और जो ये
कलह हो रही है समाजवादी पार्टी में, आपस में लड़ने का ये नाटक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तरफ से लोगों का दिमाग, मोदी जी ने 158 जनसभाओं में कहा था कि 15 लाख रुपए देने की बात कभी भारतीय जनता पार्टी ने की, कभी नहीं, कभी नहीं की। 25 लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी 15 लाख रुपए देने की बात नहीं की। पहले सुनिए, मैं आपके बोलने पे नहीं बोला, आप मेरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई आपस में हो रही है ये पारिवारिक लड़ाई है। मोदी जी ने कहा था कि महासाहब प्रदेश की जनता रोजगार देने, आपने 2 लाख गिनवा दिए, हमने 3,40,000 प्रदेश की जनता को रोजगार दिया। आपने कहा था कि भले कोई वापस आए हैं, आप भले मायावती का शासन देखा है, कांग्रेस का भी शासन देखा है, और समाजवादी पार्टी की हलचल को देख रही है, इसलिए जो है सुषमा स्वराज प्रदेश की जनता निश्चित तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ समय खड़े हो रहे हैं कि वो विकास चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अर्जुन जी जब आपके नंबर आते बोलिए, आप मतलब की बात मत करिए, जब आपके नंबर आते बोलिएगा, आप जो समाजवादी पार्टी को गलत तरीके से विभक्त करने का काम मत करिए। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से कोई विकास का काम करने का काम नहीं किया, लड़कों का वजीफा बांटने का नहीं काम नहीं किया, छात्रों का वजीफा बांटने का काम नहीं किया, प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर केवल कब्रिस्तान के मुर्दों को बचाने के लिए केवल बाउंड्री वॉल खिंचवाने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में मदद सिखाने का काम करे। ठीक है, अक्षय राबिद, अक्षय राबिद सर, अक्षय राबिद, जब जब प्रदेश की जनता आपको बोलते हुए सुन रही है, अक्षय राबिद, प्रदेश की जनता जब जब आपको बोलते हुए सुन रही है, तो वो ये नहीं जानना चाह रही कि आप बीजेपी पे कितने लाख का इल्जाम लगाएंगे। सुनने के लिए आप बिगड़ क्यों गए? ठीक है, वो अरे यार मेरी बात सुनते हैं। ठीक है, ठीक है, वो ये जानना चाह रही है अर्षद आविद आपसे, आप कौन से खेमे में, शिपाल यादव के खेमे में, अखिलेश यादव के खेमे में, कौन से खेमे में, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए सर। हाँ, सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल, ठीक है, सही सवाल, अब जवाब ले लीजिए। अर्षद जी बताइए आप किस खेमे में है? आज भी अखिलेश जी के साथ है, मुलायम सिंह के साथ है, शिवपाल जी के साथ है, रामगोपाल जी के साथ है, जिस खेमे हो मैं अपना आप बताइए। भैया समाजवादी हूँ, ये आपके यहाँ होता है कि अभी सागर खाद कौन है? समाजवादी तो मुलायम सिंह नहीं रहे, समाजवादी तो अखिलेश यादव, शिवपाल और रामगोपाल नहीं रहे, तो आप समाजवादी क्या होंगे भाई? ओंकार नाथ जी, मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, कोई खेमा नहीं समाजवादी पार्टी में, पूरी पार्टी एकजुट है। और मेहमान भी मेरे साथ, ओंकार नाथ जी, ये समाजवाद की कैसी परिभाषा है जो आजकल सड़कों पर ज्यादा दिखाई दे रही है? एक तरफ माइक छीने जा रहे हैं, बाहर समर्थक पिट रहे हैं, ये किस तरह की परिभाषा है? लखनऊ का मिजाज इन दिनों बदल गया पूरी तरीके से। लखनऊ तो एकदम बदल गया है, लखनऊ की नजाकत और नफासत को समाजवादियों ने चौपट कर दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखिए कि ये प्रदेश की जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि इस तरह से जो घटनाएं घटित हो रही है वो बेचारी दुखी होगी, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने इस सरकार को बनाया था, इतना बड़ा बहुमत दिया था। आप बताइए, जहाँ का मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहाँ प्रदेश में और बाकी चीजें क्या हो सकती है? और जैसा कि बताया वरिष्ठ पत्रकार जी ने कि सही बात है, ये मुलायम सिंह जी को बताना चाहिए कि कौन सा केस था जिसकी पैरवी अमर सिंह ने की और जिसमें उनको 7 साल की सजा होने से रुक गई। ये सब चीजें अगर आपको कहनी थी तो आप कमरे में कहते, दोनों लोगों को बुला लेते अगर परिवार के थे। ये टोटल राजनैतिक युद्ध है और इस राजनैतिक युद्ध में आप देखिएगा कि अगर इस पे कोई फैसला नहीं आता है, मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं लेते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो ये बड़ी घटना हो सकती है। कोई इसको समझ नहीं रहे हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री को माइक छीना गया है, और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया कि पर मुख्यमंत्री अगर चुनाव के लिहाज से सर, अगर चुनाव के लिहाज से और वोटों के लिहाज से स्थिति को समझे तो जो चुनावी विश्लेषक है वो यही कह रहे हैं कि इस स्थिति से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी और बीएसपी को होगा। जो हिंदू वोट है वो बीजेपी के पास चले जाएंगे और मुस्लिम बीएसपी में टर्न ऑन हो जाएंगे। कांग्रेस को क्या फायदा हुआ? कांग्रेस को फिर भी फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस अपना काम कर रही है, क्या सर रिजल्ट आएगा उस समय आप देख लीजिएगा। कांग्रेस ये काम यात्राएं चल रही है, कांग्रेस की जी रीता जी तो हमारे यहाँ आ गई, हमारे यहाँ यात्राएं चल रही है। आप क्या कांग्रेस से जो नेता गए वो कांग्रेस के नेता अब नहीं रहे, अब आप क्या चलेगा? नेता जब किसी का जाता है तो उसे कोई वैल्यू नहीं होती, ओंकार नाथ जी, लेकिन और अगर उसकी हैसियत होती तो वो अलग जाता। आपको बता दे, ठीक है, कौशल किशोर जी को जरा एक जवाब दे दे, नेता वो होता है, जैसे नेता थे मुलायम सिंह जी, पार्टी से निकले तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नेता थे काशीराम जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, नेता थे ममता चौधरी जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जो व्यक्ति किसी पार्टी में चला जाए वो कोई नेता नहीं होता है, वो तो अवसरवादवादी होता है। आप किसी को स्वीकार नहीं करेंगे? उनका नाथ जी, आप अपनी पार्टी में किसी को स्वीकार नहीं करेंगे अगर कोई आया?
पर हम स्वीकार करेंगे। अभी आप कह रहे हैं, अरे सर कैसा डबल स्टैंडर्ड है, अभी आप कह रहे हैं जो दूसरी पार्टी में चले जाए आ जाए, अच्छा आ जाए लेकिन जाए ना। हमने देखिए देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा दो चार अगर नेता होते हैं, एक तो आदमी का राजनीतिक चरित्र होता है। राजनीतिक चरित्र क्या होता है, जब देश आजाद हुआ तो आपको याद होगा बहुत से लोग, बहुत सर आप लोग बहुत विद्वान हैं सर, मेरी मेरी जो व्यूअरशिप है सर, मेरे लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं बातें, बहुत लोग निकले ठीक है, उनका ना जी मैं कह रहा हूँ अगर आपके यहाँ लोग आएंगे तो आप स्वीकारेंगे नहीं, उसको नहीं छोड़ा, आपके यहाँ आएंगे तो नहीं स्वीकारेंगे ना लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग तो नेता है नहीं हमारे यहाँ, जो आई नहीं कोई वैसे तो आएगा हमारे जो आएगा वो सेक्युलर विजन का आएगा सर। चर्चा है कोई आप किस कांग्रेस पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव में है नहीं, 28 MLA कांग्रेस के 12 करोड़ पर जा चुके हैं, क्षेत्र जाने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में 5वें नंबर पर आप कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं ठीक है। लेकिन दिग्विजय सिंह साहब इस बीच आपकी स्थिति में बार बार जानना चाहता हूं सर, आप लोग कहां पे हैं, क्योंकि हम हर दिन हर पल ये सोचते हैं कि शायद कोई फैसला हो जाए, आप लोगों की भी वापसी हो जाए या जो बर्खास्त किए गए और लोग वापस हो जाए। अखिलेश यादव के झंडे तले कब तक जिंदगी कटेगी, वो भी वो अखिलेश यादव जिनको उन्हीं की पार्टी नहीं पूछ रही है सर, अपने भविष्य को अपने करियर को लेकर इन दिनों कितनी चिंता में आप हैं? देखिए हमारा भविष्य और समाजवादी पार्टी में जितना भी नौजवान है वो किसी भविष्य में वो सारा भविष्य अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी में देखता है, मुलायम सिंह में नहीं देखता, शिवपाल में नहीं देखता। सुन लीजिए वो तो अब समाजवादी पार्टी का भविष्य भी आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, क्या आप इससे भी इनकार कर रहे हैं? यानी मुलायम सिंह और शिवपाल में वो कुवत नहीं है ना सर भविष्य बनाने की, आप डाइवर्ट कर रहे हो, भ्रम नहीं पैदा करना, कुवत की बात कर रहे हो भारतीय जनता आप सर एक चीज बताइए, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी की कुवत नहीं रहेगी, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता ना आपके नेता सिर्फ अखिलेश है बस, नहीं भारतीय जनता भाई नहीं हमारी भी नेता सुन लीजिए। अच्छा आपकी पॉइंट की बात मैं जरूर कह दे रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं टाइम खराब हो रहा है, मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ, जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे बन रही है क्या वो रुक गया सर, आपका नेता कौन है? नहीं नहीं मत घुमाइए आपका टाइम खराब हो रहा है, आपका काम कोई देखिए ऐसा कोई सरकारी काम बंद नहीं है सर, आपके नेता कौन है? मेरे अखिलेश यादव जी है, शिवपाल यादव मुलायम सिंह की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपके लिए, पर वही आप बात कहते हो साहब, जब आप पसंद की बात आप मैं कह रहा हूँ आप कहते हो कि आपको कौन पसंद है, वजह मेरी बात सुन लीजिए, वजह यही है, जब सुन लीजिए हम यही बात तो मैं कहना घनश्याम जी एक बात मेरी बात सुन लीजिए, मेरी 2 सेकंड से बात सुन लीजिए ठीक है, जब हम समाजवादी सिंह को यहाँ पे अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के तौर पे देखूं, समाजवादी के प्रतिनिधि ना मैं सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात करते रहते हो, मैं कह रहा हूँ जब हम समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करते हैं तो सारे लोग उसमें आ जाते हैं ठीक है, लेकिन जब आप कहोगे उसमें पसंद कौन है तो हमारी पसंद अखिलेश यादव जी ठीक है, तो उन्हीं अगर हमें होते हैं ना सर, अगर अमिताभ बच्चन हमें पसंद है तो क्या हम ऋतिक रोशन के विरोधी हो गए? ऐसा नहीं है, हम किसी को पसंद करते हैं तो हम किसी के विरोधी नहीं है ठीक है, बात इसकी नहीं है, जब आप पसंद की बात करोगे और 1000 बार प्रश्न करोगे तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है, और उसके पीछे जहां आपने बात रोक दी थी उसके पीछे भी जब हम लोग राजनीति में आए तो आदरणीय नेताजी ने ही हम लोगों को भेजा कि जाइए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम करिए, वो समाजवादी पार्टी को हम बूढ़ी नहीं होने देंगे, हम समाजवादी पार्टी को नौजवानों के हाथों में देखना चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी को नौजवान वाला देखना चाहते हैं। आपने उनकी बात मानी, सारी पार्टी मानती है, मानते रहते हैं दिग्विजय सिंह, अगर आप वही मुलायम सिंह आपसे कहेंगे कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ दो फिर आप छोड़ देंगे क्या? तब आप फिर वही बात कर रहे हैं, जब आपने वो एक बात बता रहे हैं मुझे कि उनके कहने पे हम अखिलेश यादव के पीछे लग गए, बूढ़ी होकर पार्टी को जवान कर दिया, आप एक ये भी बताएंगे ना मुझे, ये जवाब तो बिल्कुल सही सवाल, नहीं मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने हमारे पास उनको भेजा 2007 में तो हमारे इस मन पर और हमारे दिलो दिमाग पर एक पत्थर की लकीर लग गई अखिलेश यादव, अब वो परिस्थितियां कोई भी हो, पद हो चाहे रहे हो गए ना रहे, लेकिन हम अपने नेता के साथ छुएंगे आपको आके फिर अब कुछ बनेगा दिग्विजय सिंह, जो कुछ भी हो जाए आप जो भी समझ लो ठीक है, पत्थर तंदिया चाहे कुछ समझिए, लेकिन हम उनके हैं, समझ गया सर मैं समझ गया, मैं आपसे बतौर अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के तौर पे सारी बातें समझ पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ ठीक है, लेकिन संदीप शुक्ला साहब आप क्या मानते हैं, हमसे भी सवाल ले लीजिए, हम भी बहुत देर से बैठे हैं सर, आप तो बोल नहीं दे रहे किसी को, आऊंगा आपके पास सर, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन संदीप जी से पूछूं, संदीप जी चुनाव से पहले 40 मिनट हो गए, आपने कोई सवाल पूछा ही नहीं है, पहले का समय हमसे भी सवाल पूछ लीजिए सर, आपसे पूछूंगा सर ठीक है, ठीक है संदीप जी, चुनाव से पहले जो वक्त वोटों को तब्दील करने का होता है कामों के लिहाज से सर, वो काम तो हो ही नहीं रहे, वोट में कैसे तब्दील होंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा, और ये समझ में नहीं आ रहा मजबूत कौन हो रहा है, लेकिन कमजोर सब दिखाई दे रहे हैं अपने अपने लिहाज से, चाहे आप हो चाहे जनता हो चाहे दूसरे लोग हो, मजबूत कौन हुआ सर इस पूरी कवायद में?
कोई कमजोर नहीं हो रहा है, हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से है और हम उनके खिलाफ हमेशा लड़ते रहे हैं और हम चुनाव में सीधा सीधा जो है उनको परास्त करेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी माननीय सांसद जी के दो चीजों का जवाब देना चाह रहे हैं। कहिए सर, कहिए। एक तो आपने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं बटी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए और छात्रवृत्ति का जितना सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस सरकार में, पहली चीज तो यह है कि खातों में पैसा गया और छात्रवृत्ति साथ में खातों में गए बच्चों को, जो पहले स्कूलों को जाया करती थी और स्कूल उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 3 साल से एक पैसा स्टूडेंट को नहीं मिला, 3 साल से उत्तर प्रदेश के एक भी स्टूडेंट को 15-20 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक भी पैसे का नहीं मिला। नंबर दो, मैं जवाब दे रहा हूं, एक भी पैसा नहीं मिला, छात्रवृत्ति का एक भी पैसा नहीं मिला। आप खुद आप सरकार में मंत्री हैं, कच्चे कभी नहीं आ रहा है, एक भी पैसा नहीं मिला, सरकार ने भी ज्यादा उत्तर प्रदेश के एक स्टूडेंट है। आप गलत बोल रहे हैं, सरकार ने जो पैसा भेजा स्कॉलर का वो भी पैसा आपकी सरकार ने बांटने का काम नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं, सूची जारी कर दी है, किस्मत में दिया, खुलवा दीजिए, झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ने कर पा रही है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जम्मू कश्मीर में पैसा दिया, कितना पैसा दिया, आप उत्तर प्रदेश में उनको आप आगे करिए, जवाब देना होगा। चुनौती देता हूँ, आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं कि मैं सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने में सक्षम हूँ, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। सर, ये तो मैथ्स के क्वेश्चन में आप हिंदी का जवाब देने लगे, क्या बात पूछी जा रही है, क्या आप बता रहे हैं। लेकिन अर्शद आबिद साहब, आप ये समझा दीजिए इस पूरी प्रैक्टिस में कौन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और मजबूत कौन हुआ। असल में सवाल ये है, कमजोर तो मुझे सभी दिखाई दे रहे हैं, मजबूत हुआ कौन सर? प्रदेश भी लाचार है, नौकरशाही हाथ बांध के बैठ गई, आप यहां कुछ फैसला हो नहीं पा रहा, किसको फायदा पहुंचा असल में? घनश्याम जी, पहले की तरह समाजवादी पार्टी का काम सुचारू रूप से चल रहा है, अधिकारी 10 से लेकर 12 तक ऑफिस में बैठे हैं। अभी सुनाई मैंने आपको 10 से 15 लोगों की बातचीत अभी सुनाई हमारे, अभी सुनाई मैंने, जनरल जो सरकार कर रहे हैं और अपनी जो योजनाएं पूरी हो चुके हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण में देखिए, ये छोटा सा पारिवारिक विवाद है, छोटा सा हर परिवार में हो जाता है, बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, मेरे परिवार में भी है, इतने बड़े हमारे छोटा कह रहे हैं, इस छोटे से पारिवारिक विवाद को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। मैं आपको बताऊं कि केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी प्रोफेसर VH अच्युतानंदन और प्रोफेसर P विजयन लगातार सड़कों पर लड़ते थे, जबकि हम सड़कों पर नहीं लड़ रहे हैं। और जब चुनाव आया तो कांग्रेस की सरकार बाहर हो गई और अभी 4 महीने पहले केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई है। इस पूरे प्रकरण से भी सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को हुआ है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कितने सिद्धांतवादी हैं कि इस पूरे प्रकरण को 128 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, जबकि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही सिद्धांत हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत हो गई है आपको। और हमारे पूरे कार्यकर्ता अपने नेतृत्व अपने नेता के नेतृत्व में 2017 में चुनाव में जाएंगे और जनता हमारे विकास पर मोहर लगाएगी। तर्क नहीं होता, और घनश्याम जी हम 255 सीटें लेकर आएंगे और फिर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मनीष जी, ये सिद्धांत आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा सिद्धांत है? और कह रहे हैं ये छोटा सा झगड़ा है जो राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, छोटा ये तो बड़े में तो बवाल हो जाएगा। सर देखिए, सिद्धांत इन सब पार्टियों में नहीं है, ना ही सिद्धांत है, ना ही जनता के प्रति जो है कोई कमिटमेंट है, ना ही सेवा करने की कोई भावना है। ये प्योर और प्योर 100% विशुद्ध रूप से ये राजनीति है। और राजनीति कैसी? सत्ता हथियाने वाली राजनीति है। और इस पूरे प्रकरण को अगर आप ये समझे कि इसको सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझने की कोशिश करें जी, तो वो ये है कि ये जो पूरा जो बवाला मचा हुआ है, पारिवारिक लड़ाई जो कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग पारिवारिक लड़ाई को देने का काम मुलायम सिंह ने किया है, शिवपाल यादव ने किया है। और ये जो पूरा हंगामा चल रहा है वो बेसिकली मिसकैलकुलेशन है
मुलायम सिंह जी का और शिवपाल यादव का, वो कैसे इसको समझ लीजिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जो उत्तराधिकारी होता है वो बेटा होता है, भाई नहीं होता। और ये लाख कोशिश कोई आदमी करके दिखा दे, जनता उसे नकार देगी, क्योंकि ये सिंपल सा कानून है इस देश का, अनसेट कानून। और ये जो है हमारे ब्लड में, डीएनए में घुसा हुआ है कि उत्तराधिकारी के रूप में आप बड़े बेटे को ही देखते हैं। और दूसरी बात, ये उत्तराधिकारी को आप जब आपने पावर ट्रांसफर कर दिया फिर वापस नहीं होता। आपने 2012 में मुलायम सिंह यादव ने अपना चेहरा, अपना स्ट्रगल, अपनी पार्टी, वो सब अपने बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में दे दिया। अब ये चाहेंगे कि उसको हैंडल करें वो पीछे से, तो आज के जमाने में तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये इसी वजह से आप ये जो देख रहे हैं कि ये जनरेशन वॉर के रूप में दिख गया है। अलग अलग तरीके से लोग पार्टी को चलाना चाहते हैं, सरकार को भी अलग अलग तरीके से चलाना चाह रहे हैं, इसी वजह से ये झगड़ा हुआ है। और ये झगड़ा जो है इसकी जो जिस तरह से परिवारों में होता है कि बंटवारा होना तय है, तो ये माने देर सवेर ये बंटवारा होगा ही। लेकिन मनीष जी, मुलायम सिंह तो लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं ना सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां भी उन्होंने चीजों को देखिए, वो गलत कोशिश है। वो ये चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा चाचा है, गले मिलो, उससे ठीक हो जाएगा। ये कौन सी, ये हमको तो कभी कभी ये लगता है, मुझे पता नहीं कि मुलायम सिंह साहब वो बोलते क्या है, ये समझ में नहीं मुझे आ रहा है कि किस तरह की बातें वो कह रहे हैं। आप जो है इस तरह की बातें आप कह रहे हो कि भाई हमको अमर सिंह ने ये कर दिया। आपके साथ जो आदमी समाजवादी पार्टी को फॉलो कर रहा है और रामगोपाल यादव के चीजों को नहीं जानता कि परिवार वो पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। क्यों कोई बड़े पार्टी का, बड़े लीडर्स जो है आजम खान वगैरह क्यों साइलेंट बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लीडर्स क्यों बीच में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये प्योर एक पारिवारिक पार्टी है जो राजा महाराजाओं के जमाने में हुआ करता था कि भाई अब जो है राजा बदलाएगा, तो राजा तो बदल गया। राजा बदलने के बाद अब फिर वापसी आप करने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है और जनता भी नकार देगी। और इसका नुकसान आप ये देखेंगे कि ये तो पार्टी तो बटनी ऑलमोस्ट तय है, ठीक है, तो मानसिक रूप से तो बट ही चुकी है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। तो उसी बदले हुए राजा की प्रजा के एक सदस्य हमारे साथ दिग्विजय सिंह साहब ने, जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह साहब, इस नौकरशाही को आप वर्तमान स्थिति में यूपी की कैसे देखते हैं? आप तो छात्र से जुड़े हैं, खुद छात्र हैं, आपको नहीं लगता जैसे हॉस्टल या कॉलेजेस में फेयरवेल पार्टी हो जाती है, उसके बाद जो माहौल होता है कुछ कुछ वैसा सा हो गया, किसी को कुछ कोई नहीं पता, वैक्यूम सा हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है असल में प्रदेश में? ऐसा है, देखिए दो चीजें हैं। आप इस एक महीने या 38 दिन की सारी विवाद को आप पिछले कामों से क्यों बिल्कुल अलग कर रहे हैं? आप एकदम से कह दे रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, जनता ठगा महसूस कर रही है, जनता ये है। भाई आज से पहले की चीजों को देखते आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई विवाद नहीं है, विवाद है, विचारों की लड़ाई है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो चीजें हैं वो खुल के आनी चाहिए। आपने कहा कि आपके नेता कौन है, हम नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं। फिर कहेंगे आप माननीय मुलायम सिंह जी क्या है, तो हमारे नेता के नेता है। आप वो आप देखिए, एक भरे मंच पर आदरणीय नेता जी ने कहा कि आप माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का पैर छू लीजिए, आप प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा समाजवादी पार्टी, उन्होंने तुरंत छू लिया। ये भी कहा ये संस्कार है, नहीं नहीं ये संस्कार है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था चाचा है तुम्हारा, तो ठीक है, तो अच्छी बात है। अरे ये आपको ठीक लग रहा है? आप किस तरह की मानसिकता के साथ हैं भाई? हमारे सरकार में सुन लीजिए आप, अरे आप डॉक्टर साहब, आपकी बात मैं कह रहा हूँ। अगर वो एज ए पिता उन्होंने कह दिया कि चाचा है आपका, तो उन्होंने तब भी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के कैरेक्टर को देखिए कि कितना संस्कार आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने पैर छूते छूते ये भी कह दिया ना कि इन्हें समझा दीजिए कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें, साजिश ना करें, समझा दिया था ना। अब ये पता नहीं आप लोगों, हम लोग नहीं सुना। वाह दिग्विजय सिंह, ये नहीं सुना। देखिए दो चीजें, मेरी बात सुनिए। देखिए आप उन चीजों को उलझाए, आप कुछ भी उसमें डाल के उलझा सकते हैं, कुछ भी नहीं सर। सर ऑन रिकॉर्ड है, कोट एंड कोट है, ये चीज उलझाइए मत, आप उलझा रहे हैं प्रदेश को। देखिए मैं ये जान रहा हूँ, कल हम लोगों के दिन में बड़ा स्याह काला दिन था। वो नेता जिसके हम माथे पर सिलवट बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी आंखों में आंसू थे। कौन है जिम्मेदार सर? कौन जिम्मेदार है फिर उस आंसू के लिए? जो भी जिम्मेदार कौन है आपके नेता की नेता जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार है,
ये हमारे लिए बहुत ज्यादा। सर देखिए, आप तो वैसे सर बाहर हो गए, क्यों घबरा रहे हैं? आप तो बाहर हो गए सर, आप तो घबरा रहे हैं। सर मैं बाहर की घबरा नहीं रहा हूँ सर। संदीप शुक्ला ना कहे समझ में आता है, अच्छा दावित ना कहे समझ में आता है। सर आप तो बाहर ही है, खुल के बोल सकते हैं। जब आप चीजें कह ही रहे हो तो हमें कहने की क्या हो सकता है? उससे रिपीट क्यों कराना चाहिए? ठीक है, आप सहमति देते हैं ना इस बात को? तो इसका मतलब जो है वो शिवपाल यादव हैं और अमर सिंह हैं। सुन लीजिए, हमारी कहने मतलब जो भी जिम्मेदार हो, आप जिसे भी नाम दो। नहीं नहीं, आप बताइए सर। सर आप दिल्ली बैठे हैं उन्हें नाम दो, चाहे जिसे भी नाम दो। कारण कोई भी रहा हो, कल पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत आहत था और वो हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। वो नौजवान जो विपक्ष में लाठी डंडा खाता है, जेल जाता है, पसीना बहाता है, आपने किसी ने सोचा था कितनी दिक्कतें झेली? रात में हम पे एनडीपीएस के मुकदमे लगा दिए जाते हैं, तमाम उत्तर प्रदेश का नौजवान शहीद हो जाता है। रणविजय यादव हीरो जैसा नौजवान अपने आप को आग लगा लेता है इसी समाजवादी पार्टी के लिए, और उसके बाद इस तरह की प्रत्येक हमारे दिल पे, हमारे नेता पे अगर उस दिन उनका गला रूंता है, उनके आंखों में आंसू होते, तो हम नहीं बर्दाश्त, हमारे हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, और ये कोई उत्तर प्रदेश का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे नेता के नेता जी जरूर है, लेकिन हमारे नेता के साथ इस तरह की कोई बात नौजवान बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये बात अब बात बोली दिग्विजय सिंह आपने, असल में देर से आए लेकिन अब हम मुद्दे पे आए सर, और आपका रुंधता हुआ गला ये बताने के लिए काफी है कि अखिलेश यादव को आपके जो टीस है वो दिल में महसूस की जा सकती है। अरशद आबिद, एक नौजवान, आपकी पार्टी का नौजवान रो रहा है, वो रुंध रहा है उसका गला, और ये वो कह रहा है कि उनके अखिलेश यादव के खिलाफ ज्यादती है सर आपकी, ये क्यों कर रहे हैं ज्यादती आप अपनों पे? देखिए साहब, मैं घनश्याम जी, समाजवादी पार्टी में किसी के साथ कोई जाती नहीं होती, और जहां तक हमारे भाई दिग्विजय सिंह के निष्कासन का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी ने इसको अनुशासन, दिग्विजय सिंह के निष्कासन की बात नहीं कर रहा सर, मैं अखिलेश यादव के खिलाफ जाति की बात कर रहा हूं। नहीं सर, परिवार मत करिए अरशद आबिद। मैंने कहा तो है कि समाजवादी पार्टी में किसी कार्यकर्ता मंत्री के साथ जाती नहीं होती, मुख्यमंत्री के खिलाफ नेता के साथ कोई जाती नहीं, के खिलाफ जाती। समाजवादी पार्टी में वही होता है जो मुलायम सिंह यादव जी का फैसला होता है, और ये कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी में वही होता है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं। विधानमंडल की मीटिंग हुई और उसमें नितिन पटेल को विधानमंडल दल ने नेता चुना, उनका मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन अमित शाह जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बिरादरी के रूपानी, दुनिया भर की खबरें बताएं, जो जेल समाज से आते हैं उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। दुनिया भर की खबरें बताएं सर आपको, आप अपने घर की बात कर लीजिए। अभी सोनिया गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लाकर शीला दीक्षित जी को, जो बड़ी वरिष्ठ नेता रही है, जिनके खिलाफ 400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है और उसमें वो आरोपी बनाई गई है, कांग्रेस का सीएम सीट का दावेदार बना दिया, तब आपने सवाल नहीं उठाया। सर चौराहे पे झगड़ रहे हो तो तुमसे ही पूछ लेते, और जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है, क्योंकि और राष्ट्रीय अध्यक्ष तब चाहता है जब पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहती है, हर पार्टी का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। अब भाजपा में डेमोक्रेसी है नहीं, कांग्रेस में है नहीं, बीजेपी में है नहीं, अगर डेमोक्रेसी की पार्टी में है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी अपनी बात रख सकता है। सर अगर यही लोकतंत्र है तो हमारी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन है, उनका हर फैसला हर कार्यकर्ता को मानना चाहिए। अरशद जी आप असल में मुद्दे पे नहीं रहते ना सर, उनका ना जी प्लीज बोलिए। आ रहा आपके पास, ये आपके चैनल पे एक समाचार आ रहा है। हाँ सर, मैं मुद्दे पे हूँ, अमर सिंह पूरी तरीके से मुद्दे पे हूँ, रामगोपाल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय मुलायम सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी का, और उन्हीं के आदेश का सब कार्यकर्ता पालन करते हैं और आइंदा करेंगे। पार्टी का भविष्य बता दिया कि नपुंसक है रामगोपाल, मतलब भीष्म पितामह को पराजित किसके द्वारा किया गया था ये शायद वो नहीं जानते, नपुंसक के ही द्वारा किया गया था, शिखंडी को ही आगे करके किया गया था, तो इसका मतलब इनका भविष्य सामने आ गया और दिख गया जो ये दिखाई पड़ रहा है। और ये लोग आपस में जितना लड़े और झगड़े वो अलग बात है, भविष्य दिखाई पड़ रहा समाजवादी पार्टी के समापन का, वो भविष्य सर आपका दिख रहा है, आज भी दिख गया, कुछ लोग चले गए आपके यहाँ से छोड़ के, कुछ लोग छोड़ के चले गए, किराए की भीड़ के लाने वाले लोग, हमारी बात नहीं, आप मुकाबला नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह कल को कहीं सर, दिग्विजय सिंह कल को चार दिन बाद ये खबर ना हमको मिल जाए कि दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस चले गए, चर्चाएं ये भी है सर। सुन लीजिए, बता दीजिए, समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा हर नौजवान, हम नौकरी करना पसंद करेंगे, हम घर बैठना पसंद करेंगे,
हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने नेता के अलावा ना कभी कुछ सोचा है, ना हमारे दिमाग में कभी जीवन में आएगा। वही चले गए फिर जाएंगे कांग्रेस। कारण कारण वही चले गए। कारण सुन लीजिए प्लीज, कारण सुन लीजिए, प्लीज कारण सुन लीजिए। नेता हमारे जो तय करे उन पर है। अच्छा फिर जाएंगे कांग्रेस में? सुन लीजिए, वो नेता तय करे नेता पे, हम नेता के किसी भी बात पर प्रश्न नहीं उठा सकते। घनश्याम जी, मैं हल्के में नहीं आग रहा, मैं बात कह रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ उसकी बात कह रहा था। घनश्याम जी सिर्फ एक बात कहूंगा, आप बात कही जाते हैं सर, कही। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि आपको सब जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, समाजवादी पार्टी की आज जो यूथ फ्रंटल है, आप नौजवानों का चेहरा उठा लीजिए। मेरी सात पीढ़ी में कोई नेता नहीं है। मेरे पिताजी 8000 की नौकरी से रिटायर हुए। मैं जीवन में राजनीति के बारे में नहीं सोच सकता। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम जैसे गरीब परिवार, मध्यम परिवार के बच्चों को राजनीति में आगे लाने का काम किया। मैं अपने 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 कुनबे को धोखा नहीं दे सकता, एक मजदूर का बेटा जिसने कभी जिंदगी में राजनीति सोची थी। हम कांग्रेस जाकर ले जाएंगे। मैं कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान, एक दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी कह दे कि सारा नौजवान एक जगह इकट्ठा हो जाए, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और उन्हें पता लग जाएगा कि आज युवाओं का कौन चेहरा है, कौन यूथ आई कॉन्वेंट के खड़ा होगा पूरे हिंदुस्तान में। वो माननीय अखिलेश यादव जी है। हंसने वाले हंसेंगे, 2012 में साबित किया था, वो आने वाले समय में यही नौजवान साबित करके दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब बहुजन समाज पार्टी के लोग आतताई नौजवानों पर मुकदमे लिखा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हीं के भी बीबी की शाखा है। अच्छा, एक नौजवान उतर के सड़क में लड़ाई नहीं ला सर, समझ गया मैं आपकी बात। एक लड़ाई नहीं ला, ये लड़ाई लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के नौजवान। आज मुझसे आप बात कर रहे हैं इस डिबेट शो के दौरान, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन खुद ना खुद अपने को चमकाने की भी एक कोशिश है। ये मौका मिल गया क्या आप लोगों को भी अपने एग्जिस्टेंस बताने का? शायद इस तरह आपको घनश्याम जी ये लगता है, अगर आपको घनश्याम जी ये लगता है, घनश्याम जी आपको लगता है कि अगर मैं नौजवान बचे, अरे मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, आपको ये लगता है कि नौजवान जो बेरोजगार है वो आपसे हिसाब मांगेगा आने वाले समय में? चुप रहिए, क्या बेरोजगारी अगर आपको ये लगता है कि मैं राजनीति चमका रहा हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी आपके इस डिबेट पैनल पे नहीं बैठूंगा सर। सिर्फ देखिए इस तरह की चर्चा नहीं बैठूंगा, ठीक है? मैं आपकी भावना लगा, अगर आपको ये लगता है सर कि मैं राजनीति चमका रहा हूँ, आदरणीय मैं आपसे कह रहा हूँ घनश्याम साहब, आप जरा हमारे ऊपर लिखे मुकदमों की पता करा लीजिएगा। अगर मैं शर्ट खोल के खड़ा हूँ हमारे पीठ पर निशानों का पता करा लीजिएगा। आपको लगता है अगर मैं राजनीति चमका रहा हूँ तो मैं दोबारा आपके यहाँ नहीं आऊंगा? ठीक है सर, देखिए मेरा काम यहाँ पे सवाल पूछने का, आपका गला रुंधता है, आंखों में नमी आती है, तो उसका एहसास भी मुझको होता है, और अगर इस तरह की बातें भी निकल कर आती है तो वो क्लियर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे अलहदा ना ले, लेकिन कई पत्र लिखे गए, कई खत लिखे गए, ऐसे ऐसे लोगों ने पत्र लिख दिए दिग्विजय, आप अच्छे से जानते हैं, जिनको कोई नहीं जानता है। मुलायम सिंह तक पत्र लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि अखिलेश के खिलाफ आप ज्यादती कर रहे हैं। कौन लोग हैं सर ये? बीजेपी के तो नहीं है, क्या कर रहे हैं वो? राजनीति चमका रहे हैं ना अपनी। देखिए जो बताइए, बहुत सारी सबसे क्लियर बात यह है कि जो भी इन पीछे होगा वो समय के साथ सारी चीजें उजागर हो जाएंगी। झूठ बहुत दिन तक छुपता नहीं है, सामने आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सर, और उस दिन ये सही आ जाएगा। ये आपके हित में हो सकता है, लेकिन मेरा मूल मुद्दा यही है, इसमें प्रदेश का क्या होगा? कौशल किशोर साहब, उत्तर प्रदेश के भी हित में होगा, ठीक है? कौशल किशोर साहब, उत्तर प्रदेश के भी हित में होगा। कौशल किशोर साहब, एक मुख्यमंत्री सर, सारी जड़ मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी है। अगर माइक छीना जा रहा है तो बीजेपी ने छीन लिया, एसपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता भिड़ गए तो वो बीजेपी के भिड़ गए। ये बीजेपी सबका साथ ले रही है, क्या कर रही है? देखिए ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये खुद आपस में लड़ रहे हैं और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार चलाने के काबिल नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी भी अपनी राजनीति में पूरी तरीके से फेल हो गई है, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम लगाते हैं। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों पर विश्वास पूरी तरीके से कर रही है और बीजेपी के साथ जुड़ना लगातार शुरू कर रही है। इसीलिए दूसरे दलों से टूट टूट करके लोग हमारी पार्टी में शामिल होने का काम इसलिए कर रहे हैं, वो जान गए कि दूसरे दलों में जो कहते हैं वो करते नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास सबका साथ लेकर के पूरे देश को पूरी दुनिया में नंबर एक पे ले जाने का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। आप बीच में बोले मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोलिए मत। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ
मैं देखिए आप बोलिए नहीं मंदिर मैं आपके बीच में अरे बोलिए सर आप बोलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम न करिए। आप बार बार जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का नौजवान अखिलेश जी के साथ खड़ा हो जाएगा, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के साथ जो नौजवान था उसमें से 80% उनका साथ छोड़ करके चला गया है और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आप बेरोजगारी का भत्ता का पैसा नहीं देने का काम किया, आपने वजीफा बांटने का काम नहीं किया, आपने जो लोगों का नुकसान हुआ था फसल गिरी का उसका पैसा नहीं देने का काम नहीं किया। आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए जो धन आया उसका अभी तक के गांव में विकास का बिजली लगवाने का काम नहीं किया। अच्छा। आपने वकीलों को जो नए वकीलों को मानदेय देने का, पुराने वकीलों को जो पेंशन देने का काम किया था वो काम नहीं किया, कोई तो वादे आपने पूरे नहीं किए। रिप्लाई कर दीजिए सर इन सवालों का, फिर मैं आगे बढ़ू। मैं बोल लूं? बोलिए बोलिए दिग्विजय शॉर्ट में बोलिएगा। मैं एक जो उन्होंने कहा अब आप सुन लो, 8.5 लाख नौजवानों को लैपटॉप नहीं मिला तो किसको मिला? आईटी से आईटी आज आईटी हब बनने जा रहा है लखनऊ तो क्या नौजवानों के लिए नहीं होगा? मेट्रो में क्या सिर्फ चलने का साधन है, रोजगार का साधन नहीं है? आज खेलों के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा रहा है सर, कंपनियां आ गई हैं, मेट्रो बनके खड़ी है सर, आईटी अरे सर एससीएल का काम हो रहा है, आप देखो जाके किसने मना किया है? एससीएल का काम जिसने लैपटॉप बांटा उसके बहुत बड़ी कंपनी आने जा रही है। अभी जल्दी में ही क्या कहते हैं सैमसंग वाले आके गए हैं, उन्होंने हमने से टाई अप किया हुआ, हमारी फैक्ट्री डालने जा रहे हैं यहाँ पर। सरकार तो आ जाए तभी तो देंगे फोन भी सर, सरकार तो आ जाए। सरकार भी आएगी साहब, इसलिए हम स्मार्टफोन देना चाह रहे हैं कि प्रमाणिकता आपके हाथों में हो, जो हम काम करें वो आपको पता तो लगे, इसलिए स्मार्टफोन देना चाह रहे हैं। अब इंटरनेशनल स्टेडियम भी आप उसे भी नकार दो, आप ही कह रहे थे लखनऊ बदल गया, बिल्कुल बदल गया साहब। प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में वरना जो नाला बनी हुई थी आज उसके लिए किसने काम करके दिखाया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। यही गोमती जो नाला बनी हुई थी किसने काम करके दिखाया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया। एक ऐसा नाम जो मजदूर के बारे में भी सोचता है और ये भी सोचता है कि किसान का पैसा सीधे उसके खाते में चला जाए, ये काम किसने करके दिखाया? आदरणीय अखिलेश यादव ने जी किया। 24 देशों के राष्ट्रपतियों ने आज अगर किसी के लिए प्रशंसा की, खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी पे कोई प्रश्न उठाया जा सकता है? ये कौन कर रहा है सर जो विजुअल ऊपर चल रहा है, ये कौन कर रहा है? दिग्विजय सिंह क्या जी ये कौन कर रहा है? देखिए माइक छीना जाएगा, अभी देखिए माइक छीना जाएगा, ये कौन कर रहा है सर? फिर आप उन चीजों को क्यों पब्लिक, ये पब्लिक की बात नहीं है, ये पब्लिक की बात नहीं है सर। सर ये आपस पार्टी का है, पार्टी के अंदर क्या रोल है जनाब साहब? ये सार्वजनिक मंच पे हुआ है, कार्यकर्ताओं के सामने हुआ है। सार्वजनिक मंच ये पार्टी कार्यालय के अंदर हुआ, किसी रैली में नहीं हुआ, पार्टी कार्यालय के अंदर हुआ है, पार्टी के लोग उसके बाहर, और उसके बाहर आप जो भीड़ है वो देखिए, उसके बाहर भी देखिए आप भीड़। पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मामला क्या होता है सर? दो चारधारा। अरे भाई मुझे बताइए ये पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मामला क्या होता है सर? पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मामला क्या है? क्यों अरे पॉलिटिकल अगर कोई आप पार्टी की सारी चीजें क्या ओपनिंग बिल्कुल खुले में करते हैं क्या? तो आप आपने आप तो खुले में कर लिया आप तो पब्लिक आप तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाए थे सर। देखिए दो आप तो इतने सेंसियर लोग हैं, आप तो ऐसी बात ना करो। तमाम पार्टियों के कौन सी पार्टी की इतनी बड़ी मीटिंग होती है जहां मीडिया नहीं घुसती है या खबर नहीं आती है? मेरी आप सुन लीजिए, चीजें डिसीजन होने के बाद खबर आती है ना, तो अब आपस में आप लड़िएगा, माइक छीनिएगा, एक दूसरे को झूठा कहिएगा, साजिश बयान करने वाला कहिएगा, तो ये आपको तो क्या लोग मीडिया क्या मुझे बताएगी कि भाई हमने बहुत शांतिपूर्ण काम कर रहा था? अगर वो सार्वजनिक होता तो वहाँ मीडिया होती, मीडिया वहाँ थी नहीं सर। ये कौन लोग ये फिर तो अंदर नहीं थी, फिर तो ये पता कीजिए, तो फिर हाँ, तो पहले तो ये पता कर लीजिए वीडियो किसने तो नहीं दिया साहब, ये बर्खास्त तो नहीं पता कर रहे हैं। और आप पता ये जो है जिन लोगों को इससे फायदा हो रहा है वो क्या क्या करवा रहे हैं? दिग्विजय सिंह हम यही तो पता करने में लगा हुआ है। दिग्विजय सिंह आपको आपको ये पता नहीं है कि जिस बात को आप कह रहे हैं कि पार्टी का इंटरनल मामला है वो लगातार हर चैनल पे लाइव चला था, पूरे देश विदेश में लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने इतना कुछ कर रखा है तो वो भी इंतजाम कर रहे, वो भी समझवादी पार्टी के किसी फोन से हुआ था ना। अरे अबे कौन जानता है अंदर कौन गया, क्योंकि आई कार्ड देख के थोड़ी अंदर चले गए, जो पार्टी के लोग बुलाए गए थे एक आदमी आप लोग भी भेज दिए। बीजेपी ने तो नहीं करा दिया? अब क्या पता, कुछ भी हो सकता है साहब, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। अच्छा और जो भीड़ रहे हैं वो बीजेपी के लोग तो नहीं है दिग्विजय सिंह? नहीं मैं वो देखिए जो विचारधारा की बात है हाँ। आप चीजें जो खुल के आएंगे तो सामने आएंगी ना। देखिए विचारधारा का मतलब नहीं,
सत्ता की बात ये, 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 होती है और विचारधारा अलग अलग हो और ये विचारधारा तो है ही नहीं, विचारधारा के अलावा वो सत्ता की एक घिनौनी है, मतलब बहुत ही घिनौना चेहरा है सत्ता की लड़ाई का। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये पूरा जो मसला हुआ है प्रदेश के लोगों के लिए शर्मनाक है ये। और सबसे बड़ी बात तो मुझे आश्चर्य होता है समाजवादी पार्टी के ऊपर, ये इस तरह का सेंसलेस काम कैसे कर सकते हैं। कुछ महीने के बाद चुनाव है, आपका चीफ मिनिस्टर है, आप उसको झूठा बता रहे हो, आप उसको जो है कुछ उसको माने आप उसको चारों तरफ से इस तरह से घेर रहे हो कि जो बीजेपी नहीं कर पाई, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बीएसपी नहीं कर पाई। 5 साल अखिलेश यादव एक बिल्कुल ही स्वच्छ अपना टेन्योर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने टेन्योर पास किया, एक कंट्रोवर्शियल बात नहीं, किसी के साथ कोई उद्दंड की तरह बातचीत नहीं की, एक खराब बयान नहीं दिया, किसी से लड़ाई नहीं की, एक अच्छे इमेज के साथ आप जा रहे थे। आपने ठीक चुनाव से एक कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले आपने वो काम कर दिया जो काम मायावती को करना था। बिल्कुल, इसका जवाब अर्शद आबिद अच्छे से देंगे। अर्शद आबिद भाई, ये क्या कर दिया आपने? अपने ही मुख्यमंत्री को डिफेम कर दिया, झूठा कह दिया, फिर हम कैसे मान लेंगे कि उन्होंने विकास की बयार बहादुर प्रदेश में? और किस मुंह से आप जाएंगे वोट मांगने के लिए समाजवादी पार्टी? देखिए घनश्याम जी, अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। कहिए सर। मुख्यमंत्री जी हमारे मुल्क के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री में से एक हैं। अरे। और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है और उनका टारगेट जो है उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से उत्तम प्रदेश बनाया। ये बात तो सब कुछ पहले से समझ आ रही है। नहीं, सब कुछ कर रहे थे, उनको बेइज्जत क्यों कर रहे हो? बाहर जाकर अरे भाई मेट्रो लाइन, ये बड़ा सवाल है। 25 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना से जोड़ा। अर्शद जी ये बड़ा सवाल है, डॉक्टर मरीज कर रहे हैं सर, वो सब कुछ कर रहे थे, वो बहुत ईमानदार, वो विकास पुरुष दिया, तो सर वो बेइज्जत क्यों कर रहे हैं आप लोग उनको? डॉक्टर मनीष यही तो पूछ रहे हैं, वो सब कुछ अच्छे कर रहे हैं, मान गए सर, वो विकास भी कर रहे हैं, तो सर क्यों बेइज्जत कर रहे हैं, क्यों झूठा कह रहे हैं उनको? हाँ बता दे, क्यों बेइज्जत कर रहे हैं, किस लिए उनको दौड़ाया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? पूरे प्रदेश में विकास किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बेइज्जत क्यों कर रहे हैं आप लोगों की बातों? विकास बड़े पैमाने पर किया है, बहुत विकास किया है सर, तो फिर अपने मुख्यमंत्री के पीछे क्यों पड़ गए? यादव जी से ने इतना विकास किया है कि उतना विकास का 10वां हिस्सा भी किसी पार्टी की सरकार विकास करने का सोच नहीं सकती। और उसके बाद आपने उसको ये सिला दिया है उस व्यक्ति को, अरशद आबिद साहब, आपने उस व्यक्ति को वो सिला दिया है कि आपने उसको डिलेजिटिमाइज कर दिया है कि ये तो बच्चा है, ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता है, ये अपने से चुनाव नहीं जीत सकता। के बलबूते अपने कार्यकर्ताओं को लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में जाएगी और जनता के विकास के बलबूते फिर यार ये तो सर सब साथ ही जाएंगे, अकेले अकेले जाएंगे? घनश्याम जी आवाज शायद डिस्टर्ब हो गई थी, आ रही है सर, ये बता दीजिए। देखिए अर्शद आबिद, समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार, पूरी समाजवादी पार्टी सर वोट मांगने से साथ ही जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, एकजुट होकर जाएंगे, अलग अलग जाएंगे कि साथ में जाएंगे, और कौन किसके साथ जाएगा? सब साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे सर? दिग्विजय सिंह तो अखिलेश के साथ जा रहे हैं, अर्शद आबिद किसके साथ जाएंगे ये बता दीजिए? समाजवादी पार्टी के साथ, वो समाजवादी पार्टी के साथ कौन है ये बता दीजिए? घनश्याम जी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी के साथ ही जाऊंगा। मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी और हमारी पार्टी के सारे नेता 2017 के चुनाव के लिए अभी निकल जाएंगे और सब एक साथ जाएंगे। और आप देखना कि विरोधी जो आज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता में के लिए काम नहीं किया, ये नहीं किया, ये जनता के बीच जाकर तो बताएं कि हमने काम नहीं किया। जनता इनको जलील करेगी और इनको भगाएगी और जनता कहेगी कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090, 102, 108 हमारी बेटी उसका कर कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता, मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे सब दे दिया है। आप तो कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता भगा देगी, लेकिन कल प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे थे अमर सिंह और शिवपाल यादव चले गए तो लोग उनको भगा देंगे। कौन किसको भगाएगा ये बता दीजिए? रामगोपाल यादव तो आपको भगाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे विरोधी, अगर हमारी पार्टी के राजनीतिक विरोधी जो है, जो भाजपा कांग्रेस बसपा के लोग हैं, जब वो जनता के बीच जाएंगे
और हमारी सरकार की बुराइयां करेंगे तो जनता उनको भगाएगी, उन झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता इनसे मांगेगी रोजगार, जो इन्होंने वादा किया था कि हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे। जनता मांगेगी 15-15 लाख रुपए, जनता मांगेगी तो मांगेगी। रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं क्या मतलब आपने मार दिया क्या, तो लोग उन्हें भगा देंगे, तो लोग उनकी बातों पे यकीन क्यों नहीं करेंगे, अर्शद आबिद की बात पे यकीन क्यों करेंगे। देखिए ऐसा है घनश्याम जी, अब बात समाजवादी पार्टी की हो रही है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं का यकीन करती है। अच्छा। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार फिर बनेगी तो कर लेगी, आप हमारी बात को यकीन करेंगे और अगर हमारी बात को जनता यकीन नहीं करती तो समाजवादी पार्टी की सर आपके सारे सवाल सारी जिज्ञासा पूरी कर रहे हैं सर, समय थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है समय बढ़ा दिया, थोड़ा सा मैं आऊंगा अर्शद आबिद और सारी बातें इकट्ठे कर लीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे, लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा यही कि समय किसका जाया हो रहा है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगर इतना विकास कर रहे तो फिर उन्हीं की फजीहत क्यों, कई और सवाल। तो बिग बिल्डर में बात हो रही है आज प्रदेश के उस समय की जिसको विकास में लगाना चाहिए था, लेकिन वो पूरी फसाद में जा रहे और फसान हो रखी है समाजवादी पार्टी में। डॉक्टर मनीष, हम अगर यूपी की नौकरशाही को भी समझने की कोशिश करें तो आपको लगता है कि वो उस स्थिति में है पिछले कई सालों के अनुभव के साथ कि वो बिना अपने राजनीतिक आकाओं के दिशा निर्देश के कोई भी कदम उठा पाए, क्या अपने आप विकास की गति चालू रह सकती है कम से कम प्रदेश की अगर बात करें? देखिए ये बिल्कुल ही अगर कोई ये कह रहा है कि गवर्नेंस को इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। ये सिर्फ आप जो काउंट कर रहे हैं पिछले तीन महीने की वो बात नहीं है, अगर ये 3 महीने से चीजें बाहर आ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका बैकग्राउंड जो है बहुत पीछे से गया होगा और ये कठिनाइयाँ ये जो लगातार जो है फेरबदल आप इसका ये समझ देखिए, जो हम लोग को जो समझ में आया है जो जानकारियाँ यूपी के ब्यूरोक्रेसी के सर्कल से जो मिली हैं वो लोग परेशान इस बात से हैं कि भाई क्या आप किसके आदमी हैं, कौन डीएम किसका है, कौन एसपी किसका है, उसके अनुसार काम होगा, उसको लेकर के बहुत सारी चिंताएं जो हैं इस पूरे कार्यकाल में रहा। और अब जबकि बात जब लड़ाई चल रही है तो आप देखिए इसका मतलब ये है कि कोई नया काम नहीं हो रहा, कोई रिव्यू नहीं हो रहा, ब्यूरोक्रेट्स अब अगले सरकार के इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब अगली सरकार किसकी आएगी और कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, और जो चालाक जो होशियार ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो समाजवादी पार्टी के साथ जिनको जोड़ करके देखा जाता है वो अपना इंतजाम अलग ढंग से करना शुरू कर दिए होंगे। और ये कहना कि भाई इस लड़ाई से ब्यूरोक्रेसी को कोई इफेक्ट नहीं है, या ये कहना कि भाई अपना वो सरकार का काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है, ये बेमानी बातें हैं। इसका असर इतना खराब है कि आगे आने वाली सरकार को भी बहुत सारी चीजों को सुधारने में वक्त लग जाएगा। बिल्कुल, और इन सारी चीजों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा और चुनाव से पहले जो माहौल होना चाहिए वो माहौल नजर नहीं आता। लेकिन ओंकार नाथ जी, ये पूरी कवायद क्या वाकई कांग्रेस को भी लगता है कि उसको फायदा पहुंचा जाएगी? क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, जो विश्लेषण किए जा रहे हैं वो इतने फेवरेबल आपके लिए नहीं है, आपकी मेहनत तो वही है, या कि ये पूरी प्रैक्टिस दूसरे दलों के लिए तो फायदेमंद हो सकती है लेकिन कांग्रेस को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, आप क्या इस पूरे प्रकरण में फायदा ढूंढ पा रहे हैं? देखिए, हम किसी के बदनामी से या किसी के नुकसान से फायदे की तलाश नहीं करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी यात्राएं चालू हैं, सब जगह जिलों में लोग जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं और 27 तारीख तक ये यात्रा चलेगी, 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक फिर हमारी यात्राएं चल रही हैं, हमारे कार्यक्रम सब निश्चित है, चारों तरफ हो रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं जो चुनाव के हिसाब से किया जाता है और हमको इससे कोई मतलब नहीं कि किस पार्टी के नुकसान से हमको फायदा होने वाला है। हम जनता के पास जाके अपनी योजनाओं को बता रहे हैं और जनता को विश्वास में लेने का प्रयास कर रहे हैं। वोट देना न देना जनता का काम है, इसलिए हम किसी के ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो तो हमारा फायदा हो, समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का नुकसान हो तो हमारा फायदा हो, ये हमसे मतलब नहीं है। हम अपनी योजनाओं को जनता के समक्ष रखेंगे और जनता जो फैसला लेगी वो हमें शिरोधार है। लेकिन सर, हालिया जो कुछ चीजें हुई आपकी पार्टी में उसको लेकर लग रहा है जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो भी नहीं समझ पा रहे कि आपके साथ रहने से कोई फायदा है। ऐसा समय आएगा जब अभी तो गए हैं ना, आने वालों को भी देखिए सर, वो कब आएंगे तब आपको वो दिखाई पड़ेगा। क्यों आ नहीं रहे हैं बताइए सर, दो बड़े नाम हमारे आ नहीं रहे सर, दो बड़े नाम की लड़की, अखिलेश सिंह जी की लड़की आई हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं रायबरेली से एमएलए है सर, स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर रीता भगुणा जैसा चेहरा, वो आज बता दीजिए मुझे। देखिए चेहरा लेके हम नहीं देखेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को अकेले कहीं चुनाव लड़वा दीजिए जीत जाए तो हम जाने, या रीता भगुणा जोशी को अकेले कह दीजिए इंडिपेंडेंट खड़ी होकर जीत जाए तो हम जाने,
तो ये सवाल इस बात का, ये चेहरे नहीं जो आपके यहाँ आ रहे हैं लोग, वो अकेले सर, जो आपके यहाँ लोग आ रहे हैं वो अकेले खड़े होंगे तो जीत जाएंगे? हाँ, वो अकेले जीतते रहे हैं। अच्छा, वो जीतते रहे अकेले, तो ठीक है। हमारे जो भी आदमी आ रहा है वो स्ट्राइक पर नहीं आ रहा है, तो बड़े लोगों को हम नहीं आने दे रहे अपने यहाँ। बड़े की जरूरत क्या है हमारे यहाँ? सब बड़े हैं दरवाजे, हमारे सब बड़े हैं, हमारे जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं सब अपना काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, और उन्हीं बड़ों से परेशान होकर कुछ और छोटे वाले बड़े जो हैं वो छोड़ के चले जा रहे हैं, ये भी एक बात जाने है। ये तो देखिए, आना जाना पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया है, कोई भी आदमी जा सकता, कोई आ सकता। चलिए सर, ठीक है, अपनी सर वैसे मेरा मुद्दा ये नहीं था, लेकिन बात निकली तो मैंने सारी बातें आपसे कर ली। लेकिन दिग्विजय भाई, ये पूरे प्रकरण को कब सुलझता हुआ हम देख पाएंगे? क्योंकि लगातार ये जो पेच है वो रुझते जा रहे हैं। हम सोचते हैं शायद आज सुलझ जाए, अगले पल सुलझ जाए, कल भी मैराथन मीटिंग्स हुई, आज भी मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बाहर फिर हाथमपाई हो गई, फिर वहां पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सब कुछ निकलेगा क्या जल्द में आसपास? नहीं, देखिए बात जो प्रोटेस्ट की, आज जो चीजें हुई, आज भी तमाम नौजवान पार्टी कार्यालय के गए, हम लोगों को खबर हुई, हम लोग भाग के गए कि कौन लोग हैं वहां पे, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ मुझे कि इस बार जो आज शाम को वहां नौजवान थे उनमें ज्यादातर लोग ऐसे चेहरे थे जो कभी नहीं दिखे, और उनके पीठ पर बैग था। हमने पूछा भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, किधर से आए हो, तो वो बोले कि हम लोग उसके स्टूडेंट हैं, हम लोग आए हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। एक टीवी चैनल पर के सामने मैंने लड़कों को किया भी। देखिए चीजें, सबसे बड़ी बात यह है कि सबका विश्वास, आस्थाएं, आपकी भावनाएं तो अखिलेश से जुड़ सकती हैं, लेकिन दूसरे युवाओं की नहीं जुड़ सकती। यहाँ भी आप इंटरव्यू करेंगे सर? मैं कह रहा हूँ जो नौजवान आए थे उनका इंटरव्यू कराया है मैंने किसी चैनल पे, आप उसको चेक भी कराइएगा कि वो, मैंने इंटरव्यू प्रॉपर कराया कि आप देखो ये नौजवान जो राजनीति से अलग है वो लोग आए हुए, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। देखिए 3 तारीख तय है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना रथ लेके निकलने वाले हैं, और उस रथ के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवान उनके रथ के साथ चलेगा, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। सारी बाकी जो चीजें तय होंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर रखी हैं, और जो भी वो तय करेंगे ठीक है वो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और ठीक है सर, 3 तारीख को रथ निकलेगा, लेकिन संदीप शुक्ला साहब, लेकिन 5 तारीख को जो रजत जयंती समारोह होगा उसका क्या सर, उसका कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है, पहले बताया जाता है, इतिहास तो पहले रच दिया आप लोगों ने। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, घोषणा कर दिया उन्होंने, और रथ यात्रा 3 से शुरू हो जाएगी। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी, दीपावली के बाद सब कुछ आपको जगमग जगमग दिखाई देगा, बस 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए, प्रकाश उत्सव आने दीजिए, सब कुछ आप देखेंगे। उसके बाद हमारी पूरी तैयारी हो चुकी, पूरे प्रदेश में नवयुवक इंतजार कर रहा है मुख्यमंत्री जी का, और रथ यात्रा ऐतिहासिक होगी। पिछली बार 2012 से भी ज्यादा उत्साह नवयुवकों में है, तो सर जो लोग नहीं थे वो भी अब हमारे साथ। युवा आपके साथ कहाँ है? युवा तो अखिलेश यादव के साथ है। हाँ, तो रथ अखिलेश यादव जी लेके निकल लें। अरे सर मैं कह रहा हूँ आप देखिएगा, रजत जयंती दिग्विजय, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर अच्छा संदीप जी, तो युवा तो सब अखिलेश जी के साथ हैं, पहुंचेगा कौन वहाँ जी? सब युवा तो अखिलेश जी के साथ हैं, आपकी उस समारोह में पहुंचेगा कौन? रथ वही आएगा 3 तारीख से जाएंगे तो वो कार्यक्रम लिया जाएगा, रुकेगा भी, रुक भी सकता है, ऐसा थोड़ी है कि 5 तारीख को चलता ही रहेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो नवयुवक क्या वहाँ खड़ा रहेगा, पूरे प्रदेश का नवयुवक भी यहाँ आएगा। ठीक है, तो आप मान रहे हैं ना ये बात कि नवयुवकों को अगर बुलाना है तो फिर मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं, सब लोग आएंगे, माननीय नेता जी का, मुख्यमंत्री का, यानी सर नवयुवकों पे, नौजवानों पे अब एकाधिकार हो गया ना अखिलेश यादव का, आपके बस की बात नहीं रही। उनके साथ नवयुवक भी है और बुजुर्ग भी है, और उनके साथ तो सब बच्चे उनका गुणगान कर रहे हैं। आपके साथ कौन रहा शिशु से लेकर, और सर आपके साथ कौन रहा, अमर सिंह और शिवपाल यादव, सारे लोग हैं, नौजवान भी हैं, किशोर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब उनका गुणगान कर रहे हैं। और आपके साथ फिर कौन रहा सर? वो तो अखिलेश यादव के साथ हो गए, दूसरे खेमे की बात बताइए ना मुझे, फिर आपके साथ कौन रहा? ये तो अखिलेश यादव के साथ हो गए सारे लोग, हमारे साथ मतलब आपके साथ कौन है सर फिर? ये तो अखिलेश यादव के साथ हो गए ना, जो उनके साथ हमारे साथ है, हम लोग बटे थोड़ी है। अच्छा ठीक है, तो आप किसको मान रहे नेता? हम पार्टी के नेता सभी नेता हैं, माननीय नेताजी जब तक हैं तो नेताजी हमारे पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नेता हैं, शिवपाल जी नेता हैं, पूरा संगठन क्या बटा हुआ है क्या? कोई बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा केवल ये बात विवाद करके, देखिएगा दीपावली के बाद सब पूरा पूरा एक तरह से दिखेगा आपको। मनीष जी, दीपावली के बाद क्या वाकई कुछ चमत्कार होने वाला है? आप क्या सोचते हैं, वापसी हो जाएगी राम की? देखिए जैसे मैंने कहा, ये प्योर पॉलिटिकल वॉर है जो परिवार के अंदर चल रहा है,
देखिए ये मसला तभी सुलझेगा जब अखिलेश यादव को टिकट बांटने की शक्ति दी जाएगी। इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लीजिए कि चीफ मिनिस्टर सिंबल नहीं देता साइकिल का, अखिलेश यादव के दस्तखत से सिंबल किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिलने वाला है साइकिल छाप। उसके लिए जो समाजवादी पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उसमें जो है उनका साइन होना जरूरी है, इसलिए मुलायम सिंह का साइन होना जरूरी है कि भाई इस व्यक्ति को, इस प्रत्याशी को साइकिल छाप का ये मिला जाए, तब वो साइकिल का सिंबल ले पाएगा। अब बात कहां पे उठ रही है, बात यह है कि जो पिछली बार आप देखे होंगे कि पार्टी ये चलाएंगे, उनको स्टेट अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन मसला फिर यही पे फंसा है कि सरकार हमारी, काम हमने किया, वोट हमारे काम पे लिया जाएगा, हमारे चेहरे को दिखा के लिया जाएगा और टिकट कोई और बांटेगा, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये पेच है और ये जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ये मसला जाएगा नहीं। और ये मुझे लग रहा है कि शिवपाल यादव जी इस चीज को मानेंगे नहीं, वो चाहते हैं कि भाई उनके यही पेच है, यही पेच है। ठीक है अर्शद भाई, समय नहीं है, अब समय नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ, जो अर्शद आबिद कह रहे हैं, संदीप जी कह रहे हैं कि सब कुछ सुलझ जाएगा और दीपावली के बाद तस्वीर बदल जाएगी। और दिग्विजय सिंह, मैं उम्मीद करता हूँ दिवाली के बाद जब मुलाकात होगी तो आपके आगे नाम के आगे से पूर्व भी हट चुका होगा। बहुत शुक्रिया सर आप सभी खास मेहमानों का, लेकिन आप लोगों से इल्तिजा है कि आज रात 10 बजे राजनीति देखना ना भूलिए, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं समाजवादी कुनबे में कलह पर खास फिल्म द लास्ट 3 मंथ्स।